हरिओम हरिओम। तो परमात्मा ही सर्वाधार है, ते पर पूरा बुद्धि बैठ गया बा, यानी सब कोई परमात्मा से ही उत्पन्न बा। अहर्निश शरणागति, अहर्निश शरणागति लेके आप बताने लगे डायरेक्ट। ध्यान दे तो जब तक जीव बुद्धि के वो परमात्मा का आधार न दे, तब तक वो कितनों पढ़ ले, कितनों जो है ज्ञान रख ले, ओकर कल्याण तो नव हुई, बल्कि वो ज्ञान ओके और गर्त में लेके जाई, ओके औरो गर्त में लेके जाई। गुरु ऐसे कैसे, ऐसे कि जौने से मन जुड़ी, यानी जौने वस्तु के चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे कोनो शरीर हो, जेके वस्तु आपन थाथी मान ले, ओकर अभिमान ओकरे अंदर हो जाए, अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा तो घाटा होएगा। काहे कि भगवान के ये लीला स्थली है और इनमें भगवान जौन की बहुत ही कृपालु है, वो ये सृष्टि चक्र में मनई के ही बुद्धि देह बायन, जौन बुद्धि ई समझ सकला कि परमात्मा ही सर्वाधार है। तो जब कौनो जीव के अलग से अस्तित्व है नहीं बा, और वो जीव अज्ञान के कारण अपने थोपड़ा का प्रदर्शन और अपने नाम का प्रचार करे में प्रयासरत बा, तो वो गलत ट्रैक पे बा, वो गलत ट्रैक पे बा। अभी स्थिति बा कि ये बात का बोध होए कैसे, काहे कि बाहर तो यही काल बा, कोई नंगा हो करके भगवान विष्णु का अवतार सिद्ध करे चाहता है तो कौनो अपने मेहरी के बनिया के घरे भेज के अपने आप के परमात्मा का अवतार सिद्ध करे चाहता। ध्यान दे, घबराए मत, जानबूझ करके बोला थे, समझे, समझा जाए यह भाव के। तो कोई जोन हो मछरी खिया के पैदा तो भा कुंवारी कन्या के बलात्कार से, लेकिन मछरी खिया के भगवान बने के घोषित, नारी के जहां श्रद्धा और सम्मान का व्यवस्था है, कहे कि सभी नारी माता पार्वती से ही उत्पन्न है, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात,
ठीक है, यानी भगवान शिव जी सबके पिता है, यानी सत्य ही सबका पिता है और श्रद्धा ही सबकी माता है। ओके बना दे वासना का वस्तु अपने आप के सिद्ध करे के चक्कर में, यही से ये बात का बोध प्राणी जनमानस के करावे में असमर्थ बा। बाणी तो देता कपट भरा, ठीक न, ते ई कैसे पता चली कि जीव सब परमात्मा से ही उत्पन्न बा। ते बात का जे भी पता करावे चाहे, जे भी जेके भी प्रेरणा मिले कि आपके द्वारा ये बोध हो सकला, तो उकरे अंदर सबसे पहले खुद के अंदर ये बोध होए के चाहिए। तो जब बोध होए के चाहिए तो सबसे पहले आप संपूर्ण सृष्टि का कल्याण सोचबे, तो वो विचार हुई। जब आपके बोध हो जाई तो संपूर्ण सृष्टि का ही कल्याण सोचे के लायक बनबे। देख लग कुल राक्षस बहन तो उन्होंने कही हम विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भ्रम बा। कहे कि जब तू उतना सोच ही नहीं सकते, जैसे आप देखो एक तनी उदाहरण ले, जौने वस्तु का त्याग आप पवित्र भाव से कर सकल है, माने जौने में तनको दातापन का भाव न रहे और न तो वो वस्तु का आपके पास आवश्यकता हो, ठीक ना, तब ओ वस्तु के त्याग के भाव सामने वाले के अंदर अंकुरित होए के अवसर रही। इतनी गहरी बात भाई के समझल जा, जवन त्याग आपके द्वारा हो जाए और उनमें तनको अभिमान न रहे, तब जौन वस्तु जेके प्राप्त हुई तो ओकरे अंदर भी ओ वस्तु के त्याग का प्रेरणा जाए के अवसर रही। ही पकड़ पावत है रामदासिया। तो अब वहां अनुभव करो, कि अगर यह बाड़ी में अभिमान का मिलावट रही, कितनो तू त्यागी है लेकिन अगर अभिमान बा तो बाड़ी कभी प्रेरणा का अवसर कोई के प्रदान, यह कारण बा जोन आप लोग इतना दिन से टहरत रहे और कुछ अंदर भाव बैठा। कहे कि भगवान का आज्ञा बा, ये भगवान के आज्ञा बा, जे भी प्रकृति में बा, जे भी घर परिवार समाज के सच्चों का माने बा, उ सब प्राणी के लिए भगवान का आज्ञा बा कि के का करे के बा, और सबके लिए एक कर्म हो ही नहीं सकत। अगर सब चाहे कि हम कोनो वर्ण धर्म आश्रम में बाई लेकिन हम जौन चाहब तौन कर ले, तो ये ओकर भ्रम बा। रामदास भैया
समझ में आवा था उ व्यवस्था बाय नहीं कहे कि, लेकिन हाँ कुछ धर्म ऐसा जरूर बा जवन की धरती के प्रत्येक प्राणी के लिए भगवान के आज्ञा बा, चाहे वो ब्राह्मण कुल में हो, चाहे क्षत्रिय कुल में हो, चाहे वैश्य में हो या शूद्र में हो। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी द्वापर युग में जब कृष्णा अवतार लेहेन तो 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में ये बात का जिक्र की है बात कि प्रत्येक मानव के लिए है धर्म ऐसा बा जो सबके लिए अनिवार्य है। धर्म धरती का कोई भी प्राणी हो बा स्थिर बुद्धि तो कहिए वो छह धर्म का हो, छह धर्म का हो तो मैं पहला हो भगवान का भक्ति ही अधिकार भगवान प्रत्येक प्राणी के देवान। दूसरा है सत्य भाषण, मैंने सत्य बोले का अधिकार सबके बा, धरती पर ऐसा कोनो प्राणी नहीं बान जेके की सत्य बोले का अधिकार ना हो, ते दूसरा धर्म बा। तीसरा बा माता पिता की सेवा, माता पिता के सेवा का अधिकार धरती के प्रत्येक प्राणी की है बा, एकर अर्थ बा कि आपका बुद्धि स्थिर कहीं दूसरे पर चला है मान बा, दूसरे पर संग में बा नहीं, फिर तो जब कहत है कि छह चीज का अधिकार सबके की है बा, और उनमें तीसरी बात बा कि माता पिता के सेवा, क्या आपके मुंह से निकला था नहीं बा सबके बा भगवान का भक्ति सत्य भाषण माता पिता की सेवा और इंद्रियों का संयम, अपने जीभ नाक आंख कान और चमड़ा पर नियंत्रण करे के अधिकार सबके, ध्यान दे मतलब आज के देश में नहीं बा, ध्यान दे जोन भगवान का आज्ञा बा, जैसे यह सजने अधिकार दिखा होता है कि हम कुछ भी करो तो कुछ भी नहीं, छह चीज जो छठ भगवान का आज्ञा बा जाने, ये छ आज्ञा सबके लिए भगवान अनिवार्य की है बहन, कि अगर भगवान के मानत है तो पहले ये छ धर्म पर अपने आप के स्थिर करो, ठीक ना, तो कठ होगा चार का भक्ति, भगवान का भक्ति, सत्य वचन, सत्य वाणी, माता पिता की सेवा, इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, ये सबके बदे भगवान का आज्ञा बा, और छठवा है विनम्रता, सबसे विनम्र भाव से ही
अपन व्यवहार करे के बाद है अधिकार धरती के प्रत्येक प्राणी के भगवान दे दे बहन ते छह के अलावा जेकरे संप्रदाय से ये छ में विघ्न हटे विघ्न पड़े तो निश्चित बा वो व्यक्ति भगवान का विरोधी बा, चाहे वो बुद्धा हो चाहे कबीरा हो चाहे परमहंसवा हो चाहे कौनो राक्षस हो, ध्यान दे पकड़ यहाँ काहे कि ये भगवत आज्ञा बा। दरअसल अब रूप और नाम से इनकर संबंध रहना ही गा, अब यही से अब इनकर सबका नाम ये बाणी ये मुखाद बिंदु से न निकले जाने तो ये तब संभव बा जब आप लोगन के अंदर से निकले शुरू हो जाए। कहे कि 6000 साल से भैया यह नौटंकी चलाता कि एक नया संप्रदाय चलावो यही में जनमानस के फसावो। छह धर्म के विपरीत चला था सब ए, छह में देखो भक्ति में ध्यान दे पहले बात के थोड़ा क्रमबद्ध हुआ दे तो पिछले 6000 साल से जब से जेकर गर्भ में रक्षा जेकर गर्भ में रक्षा परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी खुद करे रहे राजा परीक्षित के, जब उनके ऊपर कलयुग प्रभाव दिखा दे और वो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दहेन तो वास्तव में बिचारी बात ई बा कि ओकरे बाद केव ऐसन पैदा हो गयल जे कि कलयुग के प्रभाव के बाहर चरित्र दिखाए बा साही बुद्धा कबीरा तू राक्षस बंगाली जौन कहा था कि आसक्ति छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। कौन ऐसा पैदा हो गया इस पर विचार करे जाए। लेकिन आज पूरा विश्व धर्म संगठन ये जो पाखंडियों का गुटबाजी है उसमें एक प्राणी विचार करने पर भी करने के लिए भी तैयार नहीं है। बस पंथ चलाओ भक्तों के पत्नियों से जो है स्वामी जी कहलवाओ भक्तों का धन लूट लो और जो कुछ भी पैदा हो जमीन में उसको भी ट्रैक्टर में भरवा के बुलवा लो अपने वेश्यालय में। सब गुरु के अंदर थोड़ा भाव के समझे बजे ये समझा जाए। तुलाधारी वैश्य के चर्चा आपके सामने भाबा दूसरों का गुण कितना भी श्रेष्ठ हो दूसरे का धर्म कितना भी श्रेष्ठ हो अपना धर्म कितना भी नीचा दिखता हो लेकिन किसी भी मनुष्य का कल्याण मात्र स्वधर्म पालन से ही संभव। यदि आप दूसरे के धर्म का पालन करते हैं तो क्या होगा प्रश्न आएगा कि गुरुजी यदि हम भी आपकी तरह मोह माया से मुक्त होकर के अगर भक्तों का कल्याण करें तो इसमें बुराई क्या है इसमें बुराई क्या है तो भगवान यही कहते हैं कि उसमें पर सत्व अपहरण का दोष आ जाता है। पर सत्व अपहरण का दोष आ जाएगा। जैसे एक चमार था कोई रविदास करके
देखिए अब ये सब नाम आ रहा है अभी, क्योंकि उसी के वजह से दिल्ली में बहुत जो है बवाल मचा हुआ है। कच्ची बाड़ी लोग दे देते हैं, साधु का कार्य किसी का गहना ढूंढना नहीं है, मात्र भक्ति प्रदान करना कार्य है। ध्यान दें, धर्म पर चलने का लोग प्रयास किए, वो भी किया, लेकिन देखिए यदि किसी व्यक्ति के आचरण से बवाल मचे तो निश्चित है कि वह व्यक्ति साधु नहीं, क्योंकि साधु का कार्य शांति प्रदान करना है ना। वैसे किसी का दोष भी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर भ्रम के कारण बुद्धि में आ सकता है, गुरुजी आप तो सबका दोष देख ले, तो गुरुजी साधु नहीं है, गुरुजी साधु नहीं है, साधु नहीं है, इस सेवक है। कहा है केकर शिव जी के, तो सेवक की यहाँ ही अधिकार होला। जे न सही बात समझाओ के कूटो, ओके कूटो। तो कहे गुरु जी ऐसा कोनो उदाहरण दे जिसे ये बतिया हमरे दिमाग में बैठ जा। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में क्या करें, कूटें है, और रावण किया पहुंचे तो उसे साधु भाषा में बात नहीं करे। अगर साधु भाषा का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं हनुमान जी, मैं साधु हूं रावण, तुम ब्राह्मण हो बच्चा, किसी नारी का अपहरण यह तो पाप होगा। अगर ये भाषा का प्रयोग करते हैं तो कुछ काम बना। देश में आवश्यकता बा सेवक भाव के, ऐसे ऐसे कि भगवत आज्ञा अनुसार ही चल के कोई मनुष्य शरीर से परम लाभ प्राप्त कर सकला। ठीक ना? तो देखो जब सबकर कच्ची बाड़ी समझ में आ गया तो लगा कि भाई ठीक बा, विश्व कल्याण के लिए पहले ऐसे सब लोग अवगत हो ले, तो अमेरिका से सब लोग अवगत हो ले हैं, बाद में सबके अवसर भी दिया ला, उस जो ने बिली में घुस गए। ऐसे देखल जाए बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं है, दबाव का तो नमवा नहीं बा, सीधी बात खाली एक है बात बा, एक कहावत लो ना सौ को सीधा एक बात, तो एक बात यह बा कि साधु का चेहरा हो तो मैं कपट के को कण ना हो। और आज धरती के समाज में एक ऐसा प्राणी नहीं बा जे कि कौनो संप्रदाय चलावत हो और उकरे क्या कपट, अभी बारी कर जाए इनकर गर्दन उड़ा दे। देखो लालच बार, लोग के लालच बार, नाम दरजे लालच बार, साधु बनी माता बनी जाने भैया, आश्रम के लालच बार, गाड़ी घोड़ा क्वालिस समझ जाए तो समझा जाए। तो देखा ई चाहे तो ई 47वां श्लोक भी भगवान साफ साफ कहत हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः अपर धर्मात्स्व अनुष्ठितात् अस्वभावनीयतम कर्म कुर्वन्नापनोति किल विषम। अर्थात अच्छी प्रकार
आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से भी गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अब देखे कुहारबा और वो मट्टी सान के पुरवा बनावा था तो कोनो बहुत बड़ा गुण नहीं बा। पंडित जी ब्रह्म में स्थिर बैन, अपने इंद्री पर नियंत्रण करे बैन, सत्य वचन देता है, परम पवित्र भाव बैन, उनका कड़ा बा और उनका आचरण भी पवित्र बा, लेकिन वो कुहार के करे की जरूरत भगवान यह कहता है कि दूसरे का गुण कितना भी अच्छा हो उससे अपना जो धर्म है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। शर्मा जी बात दूसरे का दाढ़ी बार बना होता है तो उससे उन्हें पाप, हाँ तो उससे उन्हें पाप न लगी। अभी यह कि लालच में आदमी आके जब दूसर काम करी जैसे अब है शर्मा जी बदे का है हाँ वो जोन आपके नियत कर बा, जैसे अब के खाली शर्मा जी पर और साहु जी पे मत देखो, पंडित जी बाया कुछ भी बाया और तू बनिया के नौकरी करवे, LIC में बीमा एजेंसी करवे, तो ये तू हमेशा जोन हो या पंडित जी बात दूध दुहाई बे तो यादव बस्ती में झगड़ा होना है कि तू हमारे जो ना पेटे पर लात मारत है, ठीक है। तो जेकर जवन धर्म है स्वधर्म का पालन करे बदे जवन कष्ट का सहन हो यह असली तपस्या। अगर तपस्या करो चाहे तो स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना ही वास्तविक तप, ये बालू पर बैठना, मुर्दा के मांस खाना, पेड़ पर लटकना, स्वधर्म नहीं कुल राक्षसी जादू नहीं नाटक राक्षसी व्यवस्था, इकरे बदे भगवान का आज्ञा नहीं कुल राक्षसन का काम हो। ध्यान दे ऐसे न ऐसे कि कुछ बाड़ी ऐसन बा जवन साधु के लिए बनैले नहीं गा बा, जैसे साधु के अवगुणों को मत देखो, उनके गुणों को धारण कर लो, ये साधु के भाषा नहीं बा, कहे कि साधु मात्र सद्गुण का ही भंडार हो ले, उनके अंदर अवगुण के साधु वाले का अवगुण कहा तो दम्भी के भाषा है वो अपन मतलब की कमी किताब ऐसा, हाँ तो ऐसा वो किताबी में सब लिखे बात इतना जाने वो सब के फूक देना चाहिए। और साधु के का भाषा रही हो किसी से यह बाड़ी कह देना कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होती, ई साधु का भाषा ई उतना बा कि तू कुआ के बहरे है और भक्त तो से जुड़ा तो तू ओके खींच ले बहरे बस और का मीठी बाड़ी, ठीक न। और ई जो ना लालच बदे मीठी मीठी बाड़ी बोलना ई साधु का भाषा नहीं हो पाए। अब देखा सेठ भैया यह व्यवस्था बा, तो छह चीज बा मानवी धर्म वो सबके बदे भगवान का आज्ञा बा, ओके कोई कर सकेला।
अब देखो जिसे कुछ नाम अब आप लोग अपने स्तर पे जानो, जैसे अभी कुल देखो वो कोनो आतांजलि पतांजलि रहा ओकरे वजह से यहाँ कहाँ के बा 100 रुपया कोनो दवाई बेचाता तो 40 रुपया जो मेडिकल वाला बा ओकर कमीशन हो जाता ओकरे आचरण से भगवान का जौन मार्ग बा उनमें बाधा पड़ा तो निश्चित बा कि भगवान का सेवक धंधा शुरू हो गए पतंजलि के नाम से, इस तरीके से व्यापार शुरू हो गए तो भगवान तो वो भगवान ऋषि हो गए कहाँ से तू बैठ हो गए देखा अभी सब विचार करे के व्यवस्था ऋषि का मतलब तू ऐसा ऋषि का अर्थ बा कि सीधे भगवान का सेवक वैसे ही हनुमान जयंती पर कबीर के वजह से देखो कोई पत्थर नहीं पूजा जा उ वास्तव में जौन हनुमान जी का भाव हो प्राण प्रतिष्ठा होला मूर्ति में ने तो आदमी वो भाव का सम्मान करे जाले पत्थर जने अरे सीधे बात बात की विधवा ब्राह्मणी के बलात्कार से पैदा भइला पहले वहां आवो पहले अपने आप के संभारो पहले बताओ कि कौनो कुकर्म करे रहे कि ऐसे जगह से उत्पन्न हुआ के भयल अब भगवान का कृपा होगा बा माई बहन बिटिया जे भी धरती पर नारी बा सब श्रद्धा स्वरूप बा में कौनो दिक्कत अपन सत्य स्वीकार करे से ही कोई आगे बढ़ सकला ना इन आई कि मेहरारू के बेच देवे जो साहु जी की यहाँ अतिथि सेवा में ही कौन ही अधिकार भगवान श्री राम मतलब समझे बदे बात भैया संत के अंदर लालच का एक है कण तक न होवे के चाहिए ठीक ने तो देखो अब स्थिति बा कि अभी सारी जिम्मेदारी राम जी भाई की यहाँ पहुंच गया अब इनकर कौनो भी स्थिति में ये जितना रूप धरती पर बा माने नर नारी के उनमें स्वार्थ का किंचित मात्र भी संबंध नहीं बा कोई के धन संपत्ति से न तो कोई के मेहरारू से स्वामी जी कहवावे के बायन है न तो कोई के धन से कोनो संबंध बा न तो कोई के चेला बनावे के बा न तो आश्रम का निर्माण करे के बा न तो कोनो भंडारा करे के बाकी बा ठीक ने अब सृष्टि से इनकर कोनो प्रयोजन नहीं बा न तो कोनो भोग का आवश्यकता रहेगा न तो यहाँ को पद चाहिए यहाँ का पूरे सृष्टि में नहीं ब्रह्मा जी तक न तो जो है कि इस संसार में कोनो पद चाहिए न तो देवता का गुरु बने के बाद न तो इंद्र के पद चाहिए न तो ब्रह्मा जी मतलब जहां से सृष्टि का शुरुआत बा अब सृष्टि से इनकर लालच का कोनो संबंध न तो माता अदिति के गर्भ से पैदा हुए के बा देवता बने के भाव बा नहीं ठीक न विश्वामित्र महर्षि बने के हाँ। महर्षि बने ब्राह्मण बने के चेष्टा कर थोड़ा जोर से बोला जैसे विश्वामित्र ऋषि ऋषि रावण क्षत्रिय मगर ब्राह्मण बने के ब्रह्मर्षि बने के कोशिश कर लन तो बनू गए तो कोई बन सकल आपो बन सकल उमन कामना या लालच या कहीं कुछ बाकी नहीं नहीं बा नहीं बा नहीं बा यहाँ ध्यान दे बहुत अच्छा आपका प्रश्न बा अति सुंदर जनक शर्मा जी आपो ब्राह्मण बन सकल है इमें कोनो दूर आए नहीं बा
ठीक, लेकिन अब यहाँ समझो, ये प्रभु श्री राम जी का गुरु रहा, गुरु बने भाई, श्री राम जी सेवक बन के उनका पैर भी दबाए बहन, ठीक नहीं? उन्हें 1000 साल लग गया ब्रह्मर्षि बने में, कितना लगा? 1000 साल ब्रह्मर्षि बने में लग गया, ठीक नहीं? तो फिर आप देख ला वही, आप जो ना शुद्ध शुद्ध वैश्य धर्म पर भी स्थिर नहीं बाय की बायन, अभी शुद्ध शुद्ध नहीं बायन। ते जब वो राजर्षि रहें, राजर्षि रहें तब ब्रह्मर्षि बने में उन्हें 1000 साल के समय राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने में, माने क्षत्रिय होते हुए भी वो ऋषि रहे, क्षत्रिय होते हुए भी वो राजर्षि रहे, ऋषि रहे जी। ते उन्हें इतना समय लग गया, ठीक ना, 1000 साल। और आज सब कोई अपने आप के ब्रह्म जानसी ब्राह्मणा के जोन हो वो जजकता, मोह के रात्रि में सूतावा सपना देखता, तो वो ब्राह्मण बने बदे ब्राह्मण के पूरा जो 9 गुण होला, 9 गुण होला, ऊपर अपने भाव के स्थिर करे के पड़ी, वही पर अपने आप के स्थिर करे के पड़ी ब्राह्मण बने बदे। तो थोड़ा यही बात पर आगे चर्चा हो ले, ओके, समझ ले बल जा। वैसे भगवान कहता है तुके खाली अपने स्वधर्म के पालन से ही परम धाम के प्राप्ति हो जाए, स्वधर्म के पालन से बस, एक छोटे में ही जना। प्रसंग नंबर श्रीमद् भागवत गीता का 262 श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग नंबर 262 पर भगवान साफ साफ उपदेश यह दे बैन कि स्वधर्म के पालन से ही आप परम धाम की प्राप्ति कर लेंगे। निष्काम स्वधर्म पालन से परम धाम, श्रीमद् भगवत गीता के 18 का श्लोक नंबर 35 से लेके 48 तक, माने 4 ये सब बात रिकॉर्ड होता तो एकर अनुभव भी आप कह ले है, सुन के भगवत गीता हो गए करीब घरे खोल के, तो काम तो इतना से हो जाई, काम इतना से हो जाई, लेकिन निष्काम जो सबसे बड़ी व्यवस्था बा वो बा निष्काम। अब जब जानता है कि वशिष्ठ जी जे ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र रहा, अब उससे बड़ा ब्राह्मण के बा जे श्री राम जी का पुरोहित हो, तो उससे बड़ा ब्राह्मण के बा, ठीक ना? बाल्यावस्था में तो वशिष्ठ जी ने पढ़ाओ था, हाँ वो नहीं तो पढ़ते रहे, तो समझल जाइ हाँ। ये बतिया आप जानता है वो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है गुरु वशिष्ठ जी, और वो ब्राह्मण भी हैं और ज्ञानी मुनि भी हैं। ये कुल बात कहे होता कि गुरु जी निष्काम भाव हम कहे रखी, कहे कि एक राक्षस रहा लेकिन तुसो के भगवान माने बाया है, एक राक्षस रहा उद्धा बुद्धा करके
तो वो कह दे बाकी अगर लालच में रही तो आदमी मन लगा के काम ऐसे लालच होना जरूरी वो तो अपन यह मोहनी बुद्धि चलाए बा ठीक ना। तो प्रश्न आई कि गुरुजी बतावे कि हम काहे बदे निष्काम भाव के धारण करी यह ना भैया तो ओकरे बदे सफा सफा बात ई बा भैया कि यदि आप भगवान भोलेनाथ में विश्वास करत है तो भगवान भोलेनाथ का अपन रचना बा श्री रामचरित मानस और श्री रामचरित मानस में गुरु वशिष्ठ जी यानी परम पवित्र ब्राह्मण ज्ञानी मुनि गुरु वशिष्ठ जी वो साफ साफ भरत जी के समझाते हुए यही ठिना से बातें शुरू करे बाय मन वे से कहा है अगर समझ में आवे बोध आ जाए कि निष्काम भाव काहे धारण करी तो जब ओकर बोध हो जाए कि यही बदे करो तो करबे बतावे रामदास भाई हाँ खाली जी गुरु जी और जी अपन बात कह के मुकुट जलाओ कि का कह ले का कह ले चूतिया एक बार बात कह के और भगवान क्या है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नहीं वो अच्युतम है उनकर कोनो बाड़ी कटे वाली न तो उनकर बाड़ी कटा ला न तो उनके सेवक का बाड़ी कटी और ओकरे बाद सुर नर मुनि सब कर यह रीति तो भगवान का सेवक बनक हुए तो पहले गुरु वशिष्ठ जी के ही बाड़ी जौन कहत कहत बिलखाए गए कि सुनहु भरत भावी प्रबल अब बिलखी कहे उ मुनि नाथ अहानि लाभ जीवनु मरनु जसु अप जसु विधि हाथ विधि ब्रह्मा जी। अब देखो कामना के कर बा यहाँ से शुरू बा यहाँ 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 इतने कामना बाने तो अगर कामना के हाथ में रह बे अगर अपने आप के यो अगर सब कामना रह जाई कि हमें लोग ब्रह्म ज्ञानी समझे संसार जगत में हमारा सम्मान हो तब वो विधि के अंदर में बाया ब्रह्मा जी के अंदर में बाया नहीं तब मान के चलो कि अगर इनके सबके बस में रहबे तो लाभ हानि में फांसी लगी जीवन मरण के जेल से मुक्त होबे और जस और अपयस भी मिली तो यस मिली तो अभिमान बढ़ी और अपयस मिली तो गुस्सा नहीं। तो अगर एक चक्र से छूटे चाहे तब निष्काम भाव धारण तो बताओ निष्काम भाव हो जाए कि नहीं भा कुंड रचस्वन ऐसे ही कही है निष्काम भजन करो निष्काम भजन करो लेकिन कैसे करो जने तब बुद्धि के श्री राम जी का आधार देवे के बा लेकिन ओकरे पहले श्री राम जी का आधार कोई सीधा ना दे पाई कहे कि भगवान श्री राम जी खुद
हाथ जोड़ के ही सबसे कहे बैन बात का कहे बैन गुप्त मत बताए बैन गुप्त मत बताए कि और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जौन बा बड़े भाग मानुष तर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा वही के अंत में भगवान यह उपदेश हाथ जोड़ के सबसे कहें कि भैया ये बड़ा गुप्त रहस्य है कि बिना शिव जी के निष्काम भजन किए कोई हमार भक्ति प्राप्त तो सेठ जी भाई ये बताओ सबसे यह कहला दें देवो के देव महादेव है शंकर जी ही पूरे ब्रह्मांड का एकलौता ईश्वर है ते ही शंकर जी का परिवार होगा जब उन्हीं राजा बायन पूरे सृष्टि के उन्हीं का तत्व तो लेके ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करे बायन ते एकरे बदे यही ठिना से प्रयास शुरू हुई कि जहां भावनात्मक संबंध बा पहले निष्कपट भाव अपने घर में ही उत्पन्न करो और वास्तव में आप लोग जब समझे ही चाहत है तो निष्काम भाव पिता से ही शुरू होला कहे कि एक शरीर के रचना में जौन मूल होला वो पिता का ही गुण सूत्र जो शरीर बा एक रचना तो पिता के ही वीर से शुरुआत बा तो जे पिता का निष्काम सेवा नहीं कर पाए ओकरे लिए निष्काम भाव पैदा करना बहुत ही मुश्किल कार्य बा तो जेकर पिता नहीं बहन उस सत्य का निष्काम सेवा करे माने सत्य पर स्थिर रहे और कोनो कामना न रहे सत्य पिता तुल्य होता सत्य ही पिता है और श्रद्धा ही माता है समर्पण ही बहन है शांति ही पत्नी है और पुत्री ही पवित्रता है। इस वाणी को बड़ा समझिएगा ये सब विज्ञान हो चुका है 5 साल पहले ही भैया। इसीलिए लोग क्यों कहते हैं शादी जरूरी है क्योंकि तो श्रद्धा स्वरूप माता तो है लेकिन जब शांति स्वरूप पत्नी नहीं रहेगी तो शांति मिलेगी कहाँ से समर्पण स्वरूप बहन नहीं होगी शांति स्वरूप पत्नी मिले कहाँ भाई ध्यान दे थोड़ा सा धैर्य रखो पत्नी मिले भाई रात शांति ध्यान दे यहाँ ध्यान दे अब ये जोन हसत है ना तो अच्छी बात बा हसत है ये हंसबे करे लेकिन सही सही बात सुनबे तो जरूर मन सीरियस हो जाए कहे कि सही पूछो जोन साधारण भाव बा तो मैं सब यह कला ना इन बड़ा बुरा गले इनका ब्याह करा दे अपने आप साथ यो तो कहो ना सुने है तो एकर सही सही पहले भाव समझो नहीं अभी नहीं समझ में आ रहा अभी कहाँ समझ में आ जाए इतना जल्दी अगर समझ में आ जाए एक समझो एकर भाव नारी से जौन शांति आप चाहत है तो वो आपका रास्ता गलत बा शांति के सोच के दरअसल आप नारी के रूप और चमड़ा के भोग से शांति के मार्ग ढूंढत है नहीं
ई गलत बा। वास्तव में जब भी आप शादी कोई भी पुत्र जब शादी करे के भाव में आवे तब पत्नी के शांति के प्रतीक के भाव पहले अपने बुद्धि में रखे। ई शांति के प्रतीक है और उन्हें पवित्र भाव से ही हम हृदय से लगा के पवित्र पुत्र का प्राप्ति करब, पुत्री का प्राप्ति करब। इतना भाव हो तब जा करके शादी करे के नियम बा। तो वो तो कोई करत नहीं बा। और जहां तक नारी के बात करत है तो जाना है विधियों नारी हृदय गति जानी। ब्रह्मा जी भी नारी के हृदय के गति जान नहीं पूछते। और सफा सफा अगर समझे चाहे भैया जाने तो जैसे एक सिक्का का दूठे पहलू होला ने तो सही नारी का दूठे पहलू बा। ध्यान दे ना ही कैसे पलटी मार जी है जाने। सेठ जी एक बार नमुआ फिर से बताऊं मैं। चंद्र प्रकाश सेठ जी महाराज भाव तैसा बढ़िया से समझो जाने कैसे पलटी मार जी है। पहले इनका दूठे पहलू जानो। पहला पहलू जो जानत आया कि माता पार्वती जी से ही जब उत्पन्न बाइन तो श्रद्धा और सम्मान ही इनकर एक पहलू बा। एक पहलू बा श्रद्धा और सम्मान। और दूसर का पहलू का बा। दूसर का पहलू का बा काल। ये हर से तू तनको मन के हटेले तो तोहरे बदे वो काल रूप बाइन। कैसे भगवान शंकर जी प्रमाणित करे बाइन। काहन पाव कुजार सक अग्नि क्या नहीं जला सकती। अकान समुद्र समाय समुद्र में क्या नहीं समा। अकान करे अबला प्रबलो अको जग काल न खाए। यह अबला कहलाने वाली प्रबल नारी काल के समान क्या नहीं कर सकती। श्रद्धा सम्मान में भाव के स्थिर कर ले। बहुत भीड़ में सुने होगा भैया तनी साइड दे दे। सुने है भीड़ भड़कता में रहे कौन लड़की मेहरारू भैया तनी बगल से हट जाते साइड दे। अच्छा अच्छा सुने बहन है धारण कर ले। माता जी प्रणाम। बहन जी सब बढ़िया बा। और बच्ची मजे में बाहू। यह ब्रह्मास्त्र हो श्रद्धा और सम्मान के भाव से देखा नारी जगत की कहीं कोनो समस्या मिली नहीं समझता है। लेकिन वो भाव पक्का रही आपके तब ध्यान दे। नियम नीति तो बहुत कुछ बा ठीक ना। तो स्वधर्म के पालन से ही परम धाम का प्राप्ति बा। हाँ ये हो कि आप स्वतंत्र है अगर ब्राह्मण रूप धारण करे चाहे ठीक ना। आजकल देखवे तो कुल जोन हो ब्राह्मण बना के जोन हो नौटंकी करता है। तब एक समझो ब्राह्मण का नौठे गुण होला भैया। हाँ स्थिति जरूर आजीबा कि समाज में रहे वाले ब्राह्मण जितना भी बाएं उनमें से एक गुण भी
पूर्ण रूप से कोई के अंदर बाय नहीं। तो कहिए गुरु जी ओके तो आप फर्चा फर्चा बतावा तो हमने देखा जाए, क्या कि आप हर बतिया में कह ले कि इनकर बाड़ी कट जाए इनकर गर्दन कर दे, वो गुण बतावे नौ गुण का है तो पहले समझा ही प्रभु श्री राम जी के बाड़ी है। परशुराम जी ब्राह्मण के रूप में रहे, कहें कि प्रभु धनुष बाण गुण एक हमारे नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। ठीक, तो नौ गुण का है अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। पहला गुण का है अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता यानी पूर्ण नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण का अर्थ क्या बा शर्मा जी, तनी समझो भाई। पूर्ण निर्मलता का क्या अर्थ बा कि नाखून से शिखा के बीच में जवन कुछ भी क्रिया हो रहा बा, ठीक ना, खाली अंतःकरण में एक श्री राम जी के अलावा कोई का अस्तित्व न हो। सोच कर्म और वाणी में यानी भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास कि भगवान ही है शरीर में है बाकी हम अलग से कुछ, तबन पूर्ण निर्मल हो गए। तो पहले गुण ढूंढो कहीं मिली, तो पहला है अंतःकरण का पूर्ण निर्मलता यानी पूर्ण निग्रह। उमे जीभ नाक आंख कान चमड़ा ब्रह्मलोक तक का कोनो विषय के जगह, ब्राह्मण का ही पहला गुण बा। दूसर का बा इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करना यानी समस्त इंद्रियां जीभ नाक आंख कान और चमड़ा हाथ पैर उपस्थ और गुदा और बाड़ी ये दसों इंद्रियां और एक मन ये इनको बाहरी विषयों से हटा लेना माने पूरे ब्रह्मलोक तक के विषय से इनको हटा लेना और परमात्मा का सेवक बना देना, समझे थे। फिर ब्रह्मलोक तक का कोनो कामना जेकर पूरे पूर्ण इंद्री पर विजय बा तो ही दूसरा गुण हो भैया, दूसरा गुण बा। एक तो अपने धर्म पे चलने में देखा कितना बवाल सब मचाए बा, ये दूसरा गुण हो। तीसरा है तपस्या, स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट का सहना, कितना भी कष्ट पड़े ठीक ने स्वधर्म के लिए। अब देखा एक बात यहाँ बतावे जाते हैं भाई, याने उनमें तनको अहंकार मत समझो, कहे कि अंदर के बात बा कल्याण बदे पूरा बतावता है। जब भी सत्यवादी का नाम आवल तो राजा हरिश्चंद्र का ही नाम आवला, तो उनके साथे परीक्षा भयल, लेकिन बाद में उन्हें जब बता गल कि तोहा खाली परीक्षा रहे अपन राजपाठ ले अपन राज करो कोनो दिक्कत नहीं बात तू सत्यवादी तो उन ले लेहन उन ले लेहन। और जब इनकर जीवन चला तो उनमें जो ना मर्यादा का पालन करब दे पूरा ब्रह्म लोक तक का ही त्याग करे के पड़ा, तब इन कहन के रहा वो जब ठाकुर के कुल में उत्पन्न होके फिर वापस ग्रहण कर ले हैं। तो अगर अब इनका तो पता होगा कि इन्हें ब्रह्मलोक तक के कोनो वस्तु से अब लेना देना नहीं, तो कोई परीक्षा ले चाहे कुछ हो करा, लेकिन अब इन्हें ब्रह्मलोक तक के कोनो मतलब
पंडित जी है तो उतना लंबा त्याग हुआ के और उनमें कोनो अभिमान न रहे, कहे कि ये सब भगवान के कृपा से होगा, इनमें कोनो पुरुषार्थ खाली कहे बदे नहीं हो चौपाई बा कि मति की रति गति भूति भलाई अजब जे ही जतन जहां जे पाई और सब जानौ सत संग प्रभाऊ अलोकहु वेदन आन उपाऊ। संसार में और वेद में एकर कोनो दूसर उपाय ये खाली भगवान की कृपा से होता। जब कोई रामायण का चौपाई बोल के कहता है कि भैया ये बात के मानो तो तू खुदा न मनवे और त्याग का अभिमान रखे रहवे तो सामने वाला कहा से मानी भाई, ठीक न। तपस्या हो गल ई तीसरा दिव्य गुण बा ब्राह्मण के, जान ला हिम्मत पड़ा तो ब्राह्मण बनो का दिक्कत। चौथा बा पवित्रता, चौथा बा पवित्रता, एमे अंदर बाहर से एक हो जाना। अब जैसे अंदर में भाव रहा तो के बाहर भी प्रकट कर देते हैं कि भा देखो भी है बा कि अब निजी इच्छा के कोनो जगह नहीं बा। तभी बाणी चला गल अब तक तो एक अर्थ बा कि अब इनका भी टेस्ट होगा कि देखा अंतिम श्वास तक इनके अंदर कोनो निजी इच्छा हो वो जगह खत्म। समझो वो भगवान का बोध करावे बदे वो बहुत अलग व्यवस्था बा। तोहरे अंदर कामना के कुक कर रही ना तो संभव नहीं बा। और ओकरे बाद क्षमा, कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे लेकिन ओके दंड देवे का अधिकार ब्राह्मण के नहीं बा, क्षमा। और ओकरे बाद आर्जवम, यानी मन इंद्री और शरीर को बिल्कुल सरल रखना, सरलता, कोनो अंदर बाहर में भेद न हो, ठीक ना। ये ब्राह्मण का धर्म हो। आस्तिक्यम माने वेद शास्त्र ईश्वर एमे पूर्ण विश्वास हो, माने जोन कहत हैं कि एक परमात्मा तत्व के अलावा अलग से कोई का अस्तित्व में पूर्ण विश्वास हो के चाहिए, यह न। और उकरे बाद बा ज्ञान, देखो विवेक कितने बा कि सब जीव जब परमात्मा से उत्पन्न है ना परमात्मा ही एक शांति के आधार बायन, तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तो ज्ञान होवे चाहिए इतना कि एक परमात्मा कही लीला हो और हम परमात्मा से उत्पन्न है यहाँ कोई कोई का हो नहीं, जौन पवित्र आचरण हो यही से जीव कल्याण के रास्ते पर पैर रखी, यही से खाली पवित्र आचरण से ही संबंध हुआ के चाहिए। और पवित्र आचरण का अर्थ बा कि ब्रह्मलोक तक का कोनो कामना रही तो आप कभी भी परम पवित्र आचरण कर ही नहीं सकते, कामना रही तो जरबे, सपना रही तो मोह के रात्रि में सूता रहबे। तो ज्ञान विज्ञान माने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना, माने हमेशा आत्मा के रूप में स्थिर रहना। और उकरे बाद में हाँ यह ज्ञान और विज्ञान यह जो उन्होंने नौ थे ब्राह्मण का चरित्र बात ही बड़ा कोड़ा नहीं दिखाता। कठिन बात जाना और यहाँ बाकी शुद्ध अपन जो हो व्यवसाय करके कर्म के प्रभु के समर्पित करके
आप परमात्मा में मन के विलीन कर सकल सरल उपाय बा। ठीक न भैया? तो अब इनमें आप लोग खाली इतना बात कि अपने स्वधर्म के पालन के लिए ही त्याग वो तपस्या करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।